शादी के 7 साल बाद मैंने कंसीव किया और मेरी जो ये खुशी थी 2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाई और मुझे इमिजिएटली हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। डू और डाई, ऐसी सिचुएशन थी मेरी। 9 मंथ का कंप्लीट बेड रेस्ट, क्या आप सोच भी सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सबक्रॉनिक हेमरेज के साथ मेरी प्रेगनेंसी कैसे रही। मैंने सबक्रॉनिक हेमरेज के साथ प्रेगनेंसी को कैसे कंटिन्यू किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, ये किस तरह से मुझे हो गया और ये प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, इस सारे टॉपिक्स पर हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप इस चेहरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। बहुत सारा टाइम, पैसा, पेशेंस खर्च करने के बाद मैं फाइनली एक लॉन्ग टाइम के इंतजार के बाद प्रेग्नेंट हुई। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मेरी जो वो खुशी थी 2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाई। जिस दिन मुझे पता चला उसके 2 दिन बाद रात को मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, स्पॉटिंग जैसे। तो मुझे लगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि बहुत सारे लेडीज को प्रेगनेंसी होने पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो मुझे लगा कि ये यही होगा। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे फिर से ब्लीडिंग हुई, क्लॉटिंग हुई और कुछ वाटरी सा डिस्चार्ज हो रहा था। हम फिर से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको फिर से सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने सोनोग्राफी कराई और सोनोग्राफी कराने के बाद रिपोर्ट्स के लिए मैं वेटिंग हॉल में वेट कर रही थी, उस टाइम मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। भगवान से बस चाहती थी कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, लेकिन इस टाइम मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं थी। और रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको सबक्रॉनिक हेमरेज है। तो ये कुछ सुना ही नहीं था कि ये होता क्या है। मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो कुछ इस तरीके की आई थी और रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा हुआ था स्मॉल सबक्रॉनिक हेमरेज और सबक्रॉनिक हेमाटोमा। फिर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि सबक्रॉनिक हेमाटोमा क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये आपके बच्चे के साइड में एक कलेक्शन ऑफ ब्लीडिंग होता है और ये किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं होता है कि ये इसी की वजह से होगा, जैसे कि हेवी लिफ्टिंग कर लिया, कुछ कर लिया। तो मैंने तो कुछ भी हेवी लिफ्ट वगैरह नहीं किया। और फिर डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने कहा आपको कम्प्लीटली 15 डेज का बेड रेस्ट लेना है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए, कुछ एक्सपेंसिव मेडिसिन्स थी वो भी दिए। मुझे वीकली 2 इंजेक्शंस लगते थे और उसके बीच में मेडिसिन्स चालू थी। तो इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट प्लान चल रहा था 15 डेज के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट। इस बेड रेस्ट के दौरान डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि आप सिर्फ खाना खाने के लिए या फिर यूरिन के लिए, बस इन्हीं चीजों के लिए आप उठ बैठ सकती हो, आपको कंप्लीट लेटना है। ना ही आप करवट लेके सो सकती हो, ना ही करवट बदल सकती हो, यानी कि इतना स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था। आपके जो पैर है उनको भी पास करके स्ट्रेट पोजीशन में आपको सोना है, इतना स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट मुझे दिया गया था। एक एक दिन कट से कट नहीं रहा था, फिर भी हमने सोचा कि चलो 15 डेज में रिकवर हो जाएगा, इसलिए हमने वो कम्प्लीट 15 डेज का बेड रेस्ट किया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें 3rd टाइम सोनोग्राफी के लिए कहा। हमने सोनोग्राफी करवाई, रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका जो हेमाटोमा है वो कुछ रिकवर नहीं हुआ है, आपको फिर से कंप्लीट 1 मंथ तक बेड रेस्ट लेना है। तो ये बात सुनकर ही मैं वहां पर ही बेहोश हो गई। जैसे कि मैं चेयर पे बैठी थी, डॉक्टर मेरे फ्रंट में बैठी थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गई, क्योंकि इतना हार्ड हो रहा था मैनेज करना कंप्लीट बेड रेस्ट पर। ना ही कोई कुक थी, ना ही कोई रिलेटिव था, सिर्फ मेरे हस्बैंड ड्यूटी करके मेरा ख्याल रखते थे। मेरा तो इतना स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था ताकि मैं जाके पानी तक नहीं ले सकती थी, इतना मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट। उस बेड रेस्ट के टाइम पर मेरे हस्बैंड ही मेरा सब कुछ करते थे। मैं सोके ही खाना खाती थी, यूरिन के लिए भी बहुत ही धीरे से चल के जाती थी,
बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में बहुत ही धीरे से चल के जाती थी, क्योंकि मुझे तो बेबी हर कंडीशन में चाहिए था। इतना स्ट्रिक्ट के बाद भी डॉक्टर ने मुझे फिर से कह दिया कि आप 1 मंथ को आपको फिर से बेड रेस्ट लेना है। और ये सब सुन के मैं वहीं पर बेहोश हो गई, मुझे कुछ होश नहीं था, मैं कैसे चेयर पे से गिर गई। फिर डॉक्टर ने मुझे वहीं पर सुलाया गया, फिर मैं घर आ गई। मैंने हस्बैंड से कहा क्या हमें कंटिन्यू कर पाएंगे इतना 1 मंथ तक, तो उन्होंने कहा कर लेते हैं। तो फिर से हमने उन्होंने फिर से मैनेज किया कुछ दिनों तक। फिर मेरी मॉम भी आ गई मुझे बहुत ही बच्चों के जैसे संभाल कर मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे मायके तक पहुंचाया। जब भी मुझे लैडर चढ़ना पड़ता था मैं वो नहीं चढ़ती थी, मेरे हस्बैंड मुझे बच्चों की तरह उठाकर अपने गोद में लेकर मुझे थोड़ी सी भी बिना तकलीफ हुए वो मुझे ऐसे होल्ड करते थे और मुझे ट्रैवलिंग के सीट पर या फिर मुझे ऐसे ही कम्प्लीटली बेड रेस्ट था तो मैं ऐसे ही सोकर जाती थी। और मुझे बहुत ही मेरी जो बहुत ज्यादा केयर मेरे हस्बैंड ने की। उसके बाद 1 मंथ हो गया, वहां पर भी जाने के बाद मैंने 4-5 डॉक्टर को दिखाया, सबने कहा कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट ही चाहिए, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। देखते ही देखते मेरे 2 महीने हो गए जो मैं बेड रेस्ट में निकाल रही हूँ। मैं फिर हर महीने जाती सोनोग्राफी कराती, उसमें तभी भी सबक्रैनिक हेमरेज। ये जो मेरी जर्नी रही 5, 6, 7, 8, 9 मंथ तक, कंप्लीट 9 मंथ तक मेरा सबक्रैनिक हेमरेज रहा और मैंने कंप्लीट 9 मंथ का बेड रेस्ट किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना हार्ड होता है एक जगह पर एक ही पोजीशन में लेटे रहना, जब आपकी इतनी मजबूरी है कि आपको माँ भी बनना है और आप इसी टाइम बनना है। क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद कंसीव किया था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे लगता था अगर ये बेबी चला गया तो दूसरी बार मैं माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी इतने सालों के बाद कंसीव करने के बाद, कोई बहुत खुश होता है लेकिन मुझे तो प्रेगनेंसी में पता ही नहीं चला कि मैं खुश हूँ दुखी हूँ। मैं बस साइलेंट रहती, बस चीजों को ऐसा बस टाइम को देखती रहती, बस दिन को एक एक दिन कैलकुलेट करती रहती कि ये टाइम कब खत्म होगा। ऐसे एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन मैंने इतने मुश्किल से निकाले, कंप्लीट 9 मंथ मैंने निकाले। उसके दौरान मेरी इंजेक्शंस चालू थी 9 महीने तक, वीकली ट्वाइस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मेरी इंजेक्शन चालू थी और मुझे मेडिसिन्स भी मेरी वो भी मेरी कंटिन्यू थी। और इस तरह से मेरी सबक्रैनिक हेमरेज के साथ प्रेगनेंसी रही टिल लास्ट तक और मैंने बहुत ही हेल्दी बेबी को जन्म दिया। अब बात करते हैं अगर आपको सबक्रैनिक हेमरेज होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगी। जब भी आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर उन्होंने कहा कि आपका हेमाटोमा जो है स्मॉल साइज है तो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए प्रेगनेंसी। लेकिन फिर भी अगर आपका हेमाटोमा मीडियम लार्ज साइज का है तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रहे। अगर आपके डॉक्टर ने कहा हेमाटोमा का साइज स्मॉल है और ये 15 डेज में रिकवर हो जाएगा तभी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें या फिर भगवान के भरोसे सब छोड़ के बैठ जाए, क्योंकि आगे जाके आपके लिए बहुत हार्ड होता है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना। जब आपको पता चले कि आपको सबक्रैनिक हेमरेज है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रांग रहना। जब मुझे पता चला था मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था और स्ट्रेस की वजह से मैं बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे जो सारे बाल थे, मेरे सारे कपड़े थे वो सारे भीगे हुए थे और मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए आपको जब ये पता चले कि आपको हेमरेज है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं सबक्रैनिक हेमरेज को 2 दिन में कैसे ठीक करें। जब मुझे पता चला कि मुझे हेमाटोमा है तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और तब मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली कि जहां पर कहा गया था कि 1 दिन में हेमरेज को कैसे ठीक किया जाए, 2 दिन में कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये कम्प्लीटली फेक है। तो आपको जो एक कम्प्लीट ट्रीटमेंट प्लान होता है वही आपको फॉलो करना होगा।
का जो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर बताएंगे वही आपका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे 2 दिन में 1 दिन में ये ठीक नहीं होता है। तो ये थी सबक्रैनिक हेमरेज पर एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आई होप ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो। मेरी तो 9 मंथ की जर्नी रही और उसके बाद मैंने कम्प्लीटली हेल्दी बेबी को जन्म दिया और एक बहुत ही हेल्दी बेबी है मेरी। तो मैं भी आपको एक हेल्दी बेबी विश करती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सबक्रैनिक हेमरेज पर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर।